मैं आज बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या बन गई है इस प्रदेश की, सरकार 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सारे जो सीईटी के पेपर थे वो 61 ग्रुपों के पेपर आज कोर्ट के स्टे की वजह से, पैरवी ना करने की वजह से, आयोग के द्वारा ढीला रवैया होने की वजह से, कोर्ट की फीस ना भरना, बार बार टाइम मांगने की वजह से 61 ग्रुपों के पेपर जो है ना वो स्टे में लटके बैठे हैं। अनेकों जो है ना सीईटी आईआईटी के इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग रुकी है, टीजीटी की जो है ना 7400 उनकी वो ज्वाइनिंग रोकी पड़ी है। ये हालात आज हमारा बेरोजगार ऐसी दशा से जूझ रहा है कि सरकार उसकी प्रति कोई वो नहीं जवाबदेह नहीं है। शरद डी ग्रुप का हवाला देकर हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को डी ग्रेड करने के लिए उनको चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो बड़े बड़े दावे करती है सरकार अगर हम आगे जा रहे हैं। आज डी ग्रुप एक ऐसा खिलौना, एक झुंझुना बना दिया कि हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे उस डी ग्रुप की लाइन में चपरासी, आज वो जो पहले लगे हुए हैं वो शोषण हो रहा है उनके साथ में। तो एक एमटेक बच्चा अगर चपरासी बनेगा उसकी हर रोज मृत्यु हो रही है, वो आज मजबूर आत्महत्या करने, अनेकों केस हरियाणा की सरकार के उसमें आ चुके हैं।